Assalamualaikum viewers and welcome back to my channel study law with pushra so today is our sixth lecture on lawgate syllabus and in this video we are going to discuss the section 104 and order 43 of civil procedure code 1908 but before starting the discussion i request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates do share this video with your friends

आज हम पढ़ेंगे कि किन ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील हो सकती है सो स्टार्टिंग विद सेक्शन वन जीरो फोर सेक्शन वन जीरो फोर कहता है ऑर्डर लाइज यानी के कौन से ऐसे ऑर्डर हैं जिन पर आप अपील फाइल कर सकते हो सो so, इसकी क्लॉज वन को अगर हम देखें तो क्लॉज वन कहती है कि एन अपील शेल लाइज फ्रॉम दर्डर्स यानी कि इस सेक्शन के अंदर जो लिस्ट बताई गई है उन पर आप अपील फाइल कर सकते हैं एंड सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस लॉ और बाय अदर लॉ फ्रॉम टाइम बीइंग फ्रॉम नो अदर ऑर्डर यानी कि इस सेक्शन में और इसके अलावा सीपीसी में अगर कहीं बताया हुआ है तो उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हो सबसे पहला आता है ऑर्डर अंडर सेक्शन थर्टी फाइव ए सेक्शन थर्टी फाइव ए बेसिकली कंपनसेटरी कॉस्ट के साथ डील कर रहा है यानी कि ऐसा कोई केस जिसमें कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर पास किया है जिसमें कोई कंपनसेटरी कॉस्ट अवॉर्ड की गई है तो उसके अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हो सेकंड है एन ऑर्डर सेक्शन फोर्टी सेवन सेक्शन फोर्टी सेवन हमने पढ़ा था एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है तो अगर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट किसी किस्म का कोई ऑर्डर पास करती है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील फाइल की जा सकती है उसके बाद क्शन नाइन्टी फाइव ऑफ सी पी सी सेक्शन नाइन्टी फाइव बेसिकली ये भी कंपनसेटरी कॉस्ट के साथ डील कर रहा है और ये कहता है कि अगर कोई ऐसा ऑर्डर पास किए जिसमें किसी बंदे को अरेस्ट करने का कहा है या किसी बंदे की प्रॉपर्टी की अटैचमेंट से रिलेटेड कोई ऑर्डर है या एनी केस के कोई इंजंक्शन का ऑर्डर पास कर दिया है और बाद में ये पता चलता है कि वो जो ऑर्डर था वो गलत है या उस ऑर्डर को बाद में रिवर्स कर लिया जाता है तो ऐसी सूरत में जो कंपनसेटरी कॉस्ट अवॉर्ड हुई है उसके अगेंस्ट भी आप अपील फाइल कर सकते हो वो ऑर्डर भी अपीलेबल है उसके बाद आगे आए तो ये सेक्शन कहता है एन ऑर्डर अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस कोड इम्पोजिंग इंपोजिंग फाइन और डायरेक्टिंग द अरेस्ट और डिटेंशन इन सिविल प्रिजन ऑफ एनी पर्सन यानी के इस कोड के अंदर किसी भी प्रोविजन में अगर किसी बंदे पर कोई फाइन इम्पोज किया जा रहा है कोई ऐसा ऑर्डर दिया कि फलाम बंदे पर कोई फाइन इम्पोज किया है या उसके अरेस्ट का हुक्म दिया है या उसको डिटेन करने के लिए कहा है तो ऐसे तमाम ऑर्डर्स भी अपीलेबल होंगे ऐसे ऑर्डर्स के अगेंस्ट भी आप अपील फाइल कर सकते हो एक्सेप्ट लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन बता दी गई है कि अगर तो वो अरेस्ट और जो डिटेंशन है वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के केस में हुई है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर पास किया है किसी बंदे की अरेस्ट का तो उस सूरत में आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल नहीं कर सकते बाकी तमाम ऑर्डर्स में अपील फाइल हो सकती है यानी सेक्शन 35 ए में भी अपील है 47 में भी 95 में भी फिर इसके अलावा अगर किसी प्रोविजन में कोई अरेस्ट या फाइन इम्पोज करने की बात है वो भी अपीले वाले स्वाय एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के केस में उसके बाद आगे आए तो क्लॉज आई कहती है एनी ऑर्डर मेड अंडर द रूल्स फ्रॉम विच एन अपील इज एक्सप्रेसली अलाउड बाय रूल्स ये क्लॉज बेसिकली कह रही है

अरेस्ट या डिटेंशन या फाइन के केस में सवाए एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के अगर किसी की अरेस्ट की बात की है और ऑर्डर 43 के रूल वन के अंदर जितने भी रूल्स पास हुए हैं उन पर अपील फाइल हो सकती है उसके बाद अब यहां पर एक प्रोविजन दी गई है प्रोवाइजो क्या कहती है दैट नो अपील शेल लाइ यहां बात है पहले ऊपर बताया कब अपील हो सकती है अब यहां कह रहा है कि उस वक्त अपील नहीं होगी किस वक्त अगेंस्ट एनी ऑर्डर स्पेसिफाइड इन क्लॉज एफ क्लॉज एफ क्या 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 कह रही थी सेक्शन थर्टी फाइव ए जो कंपनसेटरी कॉस्ट से रिलेटेड था उसमें आप अपील फाइल नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड सेव ऑन द ग्राउंड अब किस ग्राउंड पे आप अपील फाइल नहीं कर सकते सेक्शन थर्टी फाइव ए में दट नो ऑर्डर और एन ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ अ लेस अमाउंट ऑड टू हैव बीन मेड यानी थर्टी फाइव ए में हमने क्या कहा जिसपे कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर पास किया जिसमें कंपनसेटरी कॉस्ट अवॉर्ड की गई है तो अगर तो कोई बंदा आता है और वो ये कहता है कि इस कंपनसेटरी कॉस्ट को कम कर दिया जाए यानी कि कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप कहते हो कि जो कंपनसेशन आपने कहा है उससे थोड़ी सी कम हमसे ले ली जाए तो ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट आप किसी किस्म की कोई अपील भी फाइल नहीं कर सकते फिर उसके बाद दूसरी क्या कहती है फॉर no इंस्टेंस अगर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने आपके खिलाफ कोई ऑर्डर पास कर दिया है और उस ऑर्डर की अपील लेकर आप जाते हो और फिर कोर्ट ने आपके खिलाफ कोई जजमेंट दे दी आप उस जजमेंट के अगेंस्ट अगर आप फिर से अपील फाइल करते हो, कि एक अपील अपील करने के बाद अगर आप दूसरी अपील फाइल करते हो तो तब आपके लिए आप इंटाइटल नहीं हो उस सेकंड अपील को फाइल करने के लिए यानी कि ऑर्डर्स अगेंस्ट अपील की जो बात की है आप orders के अगेंस्ट सिर्फ एक ही अपील फाइल कर सकते हो सेकंड अपील आप फाइल नहीं कर सकते हमने पढ़ा था अपील अगेंस्ट डिक्रीज़ में कि डिक्री के, के अगेंस्ट आप फर्स्ट अपील भी कर सकते हो और सेकंड अपील भी लेकिन ये याद रखें कि ऑर्डर्स के अगेंस्ट सिर्फ एक ही अपील फाइल होती है दूसरी अपील आप कभी भी फाइल नहीं कर सकते अब आ जाते हैं अपने ऑर्डर फोर्टी के ऊपर ऑर्डर फोर्टी क्या कहता है अपील अगेंस्ट ऑर्डर अब इसके रूल वन में हमें एक लिस्ट बताई गई है कि इस लिस्ट में जितने भी रूल्स मेंशन है जिन जिन ऑर्डर्स के उसके अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हो अब हमने ये देखना है कि इस रूल में वो कौन कौन से ऑर्डर के रूल्स बताए गए हैं जिनके अगेंस्ट अपील फाइल हो सकती है सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन रूल वन का फर्स्ट पॉइंट कहता है एन अपील शेल लाइव फ्रॉम एन ऑर्डर अंडर रूल टेन ऑफ ऑर्डर सेवन ऑर्डर सेवन रूल टेन क्या कहता है रिटर्निंग अ टू टू बी प्रेजेंटेड प्रॉपर कोर्ट यानी कि अगर आपने कहीं कोई सूट किसी कोर्ट में फाइल किया है जो कि कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं थी उस कोर्ट की जुरिस्ट्रिक्शन नहीं थी और वो कोर्ट आपका सूट रिटर्न कर देती है कि आप इसे जाकर किसी प्रॉपर फोरम पे फाइल करें तो ये जो रिटर्न ऑफ प्लेन का जो ऑर्डर है इसके अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है एन ऑर्डर अंडर रूल टेन ऑफ ऑर्डर एट प्रोनाउंसिंग अ जजमेंट अगेंस्ट पार्टी ऑर्डर एट रूल टेन बेसिकली क्या कहता है कि जहां पर कोई जजमेंट पास हो गई है किसी पार्टी के अगेंस्ट अब वो कौन सी जजमेंट है फॉर एग्जाम्पल डिफेंडेंट था उसको समन भेजा गया कि कोर्ट में अपीयर हो वो विद इन टाइम कोर्ट में अपीयर नहीं होता कोर्ट ने टाइम एक्सटेंड किया वो उस एक्सटेंशन ऑफ टाइम में अंदर नहीं आया तो फिर कोर्ट उसके अगेंस्ट जो जजमेंट पास कर देती है जो ऑर्डर पास कर देती है उस सूट से रिलेटेड उसके अगेंस्ट भी आप अपील फाइल कर सकते हो तीसरा आता है एन ऑर्डर अंडर रूल नाइन ऑफ ऑर्डर नाइन रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन फॉर एन ऑर्डर टू द दल ऑफ सूट ऑर्डर नाइन रूल नाइन में बेसिकली क्या किया कहा गया है कि अगर केस किसी सूट के अंदर कोई प्लेंटिव कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं होता जज उस प्लेंटिव की गैर मौजूदगी में उसके ना आने पर किसी किस्म का कोई डिसीजन सुना देता है फिर प्लेंटिव क्या करता है री एडमिशन ऑफ दी सूट के लिए अप्लाई करता है यानी कि वो कोर्ट को रीजनेबल ग्राउंड देता है कि मैं फला वजह से नहीं आया और अगर कोर्ट इस री एडमिशन को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देती है तो कोर्ट के इस रिफ्यूजल के अगेंस्ट जो कोर्ट का ये रिफ्यूजल का ऑर्डर है है इसके अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हो नेक्स्ट ऑर्डर नाइन रूल थर्टीन ऑर्डर नाइन रूल थर्टीन बेसिकली क्या कहता है कि जहां पर डिफेंडेंट कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं हुआ कोर्ट ने डिफेंडेंट की एब्सेंस में एक्स पार्टी डिग्री पास कर दी उसके बाद डिफेंडेंट ने रेस्टोरेशन ऑफ सूट के लिए अप्लाई किया कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया तो ये जो कोर्ट का डिसमिसल है इसके अगेंस्ट भी आप अपील फाइल कर सकते हो नेक्स्ट है ऑर्डर टेन रूल फोर ऑर्डर टेन रूल फोर बेसिकली किसके साथ डील कर रहा है कि अगर कहीं पर कोर्ट ने किसी बंदे को इन पर्सन बुलाया है कि वो कोर्ट में आए और कोर्ट के सवालत के जवाब थे तो कोर्ट अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछ रही है इन पर्सन और वो नहीं आता या उन क्वेश्चन के साथ कंप्लाई नहीं करता तो अगर कोर्ट कोई ऑर्डर पास करती है तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट भी आप अपील फाइल कर सकते हो उसके बाद है ऑर्डर अलेवन रूल ट्वेंटी वन ऑर्डर अलेवन रूल ट्वेंटी वन क्या कहता है कि अगर कोर्ट ने किसी बंदे से किसी केस में कोई डॉक्यूमेंट्स डिमांड किए हैं कि कोई डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करें और वो बंदा वो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस नहीं करता और या फिर कोर्ट के क्वेश्चन के आंसर नहीं दे रहा तो उस सूरत में भी कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी आप अपील फाइल कर सकते हो नेक्स्ट है ऑर्डर सिक्सटीन रूल टेन ऑर्डर सिक्सटीन अटैचमेंट ऑफ दी प्रॉपर्टी की बात कर रहा है कि अगर कहीं पर किसी विटनेस को कोर्ट ने समन किया था कोर्ट ने बुलाया था और वो विटनेस कोर्ट में अपीयर नहीं होता तो उस सूरत में भी अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है कि उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाए तो ये जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का ऑर्डर है इसके अगेंस्ट भी अपील फाइल की जा सकती है उसके बाद आ जाते हैं ऑर्डर सिक्सटीन रूल ट्वेंटी ऑर्डर सिक्सटीन रूल ट्वेंटी बेसिकली प्रोनाउंसेंट ऑफ जजमेंट अगेंस्ट पार्टी यानी कि अगर किसी केस में किसी पार्टी को कोर्ट ने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कहा था वो डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस किया कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो फिर वो भी ऑर्डर भी अपीलेबल है उसके बाद है ऑर्डर ट्वेंटी वन रूल अब इस ऑर्डर के अंदर डिफरेंट रूल्स बताए हैं रूल थर्टी फोर सिक्सटी टू वन जीरो थ्री सेवेंटी टू और नाइनटी टू ऑर्डर ट्वेंटी वन बेसिकली एग्जीक्यूशन के साथ डील कर रहा है और ये कहा गया है कि अगर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग अगर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट इन रूल्स के अंदर कोई भी ऑर्डर पास कर रही है तो वो ऑर्डर भी अपीलेबल है उसके अगेंस्ट भी अपील फाइल की जा सकती है नेक्स्ट आ गया ऑर्डर ट्वेंटी टू रूल नाइन और रूल टेन ऑर्डर ट्वेंटी टू बेसिकली डील किसके साथ कर रहा है इंसॉल्वेंसी ऑफ प्लेंटिव के साथ यानी कि अगर कहीं पर कोई प्लेटिव इंसोल्वेंट हो गया है और वो अपनी जगह कोई रिसीवर अपॉइंट कर रहा है अपने बिहाफ पे तो कोर्ट अगर उसको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर देती है तो ऐसी सूरत में इस ऑर्डर के अगेंस्ट भी आप अपील फाइल कर सकते हो उसके बाद आ गया है ऑर्डर ट्वेंटी थ्री रूल थ्री, ऑर्डर 22 का रूल नाइन और टेन दोनों इंसॉल्वेंसी ऑफ प्लेंटिव से रिलेटेड हैं उसके बाद है ऑर्डर 23 रूल थ्री। ऑर्डर 23 का रूल थ्री कहता है कि अगर कहीं किसी सूट में जब पार्टीज आपस में किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज कर देती हैं और उस कॉम्प्रोमाइज को कोर्ट मानने से इंकार कर देती है तो ऐसी सूरत में कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी आप अपील फाइल कर सकते हो वो ऑर्डर भी अपीलेबल है फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्डर ट्वेंटी रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन ऑन दिसमिसल ऑफ दी सूट अब इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि अगर कोई बंदा है और उसका सूट यहाँ पाकिस्तान में चल रहा है लेकिन वो आउट ऑफ कंट्री है और पाकिस्तान में उसकी किस किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है तो अगर प्लेटे कोर्ट को यह कहता है कि आप इससे कोई सिक्योरिटी तो लें इनकेस अगर वो कोर्ट में अपीयर नहीं होता तो एटलीस्ट कोई सिक्योरिटी तो होनी चाहिए तो ये जो सिक्योरिटी कोर्ट उस बंदे से डिमांड कर रही है इस ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील फाइल की जा सकती है एज पर ऑर्डर 43 रूल वन उसके बाद आता है ऑर्डर 34 रूल टू फोर और सेवन ऑर्डर थर्टी फोर बेसिकली किसके साथ डील कर रहा है ये मोडगेज के साथ डील कर रहा है मोडगेज मनी के साथ कि अगर कहीं पर गेज के, के केस में कोर्ट आपसे ये डिमांड करती है कि आपने मोडगेज मनी कोर्ट में सबमिट करनी है और आप कोर्ट से टाइम मांग रहे हो कि कुछ टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए फॉर दी सबमिशन ऑफ द मोडगेज मनी और कोर्ट रिफ्यूज कर देती है एक्सटेंशन ऑफ टाइम को तो ऐसी सूरत में कोर्ट के इस ऑर्डर को भी चैलेंज किया जा सकता है यह ऑर्डर भी अपीलेबल है ऑर्डर थर्टी फोर के रूल टू फोर और सेवन के अंडर उसके बाद आता है ऑर्डर थर्टी फाइव रूल थ्री फोर एंड सिक्स ऑर्डर थर्टी फाइव बेसिकली डील कर रहा है इंटरप्लीडर सूट के साथ इंटरप्लीडर सूट बेसिकली क्या है कि जो डिफेंडेंट के दरमियान जो मामला चल रहा है कैसे फॉर एग्जाम्पल इन केस प्लेंटिव ने एक सूट फाइल किया कि मैंने फलाम बंदे के कुछ पैसे लौटाने हैं अब सी एक तीसरा बंदा आता है और वो कहता है कि बी ने मेरे पैसे भी देने हैं तो आपने ये जो पैसे बी को वापस करने ये मुझे वापस कर दें यानी कि मैटर्स आप डिफेंडेंट के दरमियान आ गया तो मैं कोर्ट में जाऊं और वो प्लेटिव कोर्ट में जाकर ये कहे कि अब मैंने ये पैसे किसको वापस करने है बी को या सी को तो कोर्ट ये कहेगी कि आप ये पैसे कोर्ट में सबमिट कराएं अब कोर्ट ने ये डिसाइड करना है कि ये डिफेंडेंट के दरम्यान जो मामला चल रहा है इसमें किस को वो पैसे देने हैं तो मीन्स टू से जहां पर प्लेटिव का कोई इंटरेस्ट नहीं है बल्कि जो मैटर्स है वो डिफेंडेंट के दौरान के दरमियान है और

और कोर्ट ये चीज रिफ्यूज कर देती है तो उस रिफ्यूजल के अगेंस्ट भी आप अपील फाइल कर सकते हो और ऑर्डर 38 का रूल सिक्स बेसिकली अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी से डील कर रहा है तो ऐसी सूरत में भी आप अपील फाइल कर सकते हो सो ऑर्डर 38 के ये रूल्स अपीलेबल हैं उसके बाद आ जाता है ऑर्डर 39 रूल 1 2 4 एंड 10 ऑर्डर 39 बेसिकली डील कर रहा है इंजंक्शन से टेम्प्रेरी इंजंक्शन से डील कर रहा है और इसके रूल फोर में ये कहा गया है कि जहां पर कोर्ट इंजंक्शन से डिस्चार्ज कर देती है तो ऐसे डिस्चार्ज पर भी आप अपील फाइल कर सकते हो रूल फोर के अंडर जब डिस्चार्ज ऑफ द इंजंक्शन की बात आई है और रूल टेन बेसिकली कहता है कि जहां पर कोर्ट जो है वो सिक्योरिटी डिमांड कर रही है कि मींस टू से कि जितनी उस सूट की प्रॉपर्टी है अगर उतनी ही सिक्योरिटी आप कोर्ट में आकर सबमिट कराएं तो तब आपको स्टे दे दिया जाता है तो ऐसी जो सिक्योरिटी डिमांड कर रही है कोर्ट उससे रिलेटेड आप सूट फाइल कर सकते हैं सॉरी अपील फाइल कर सकते हैं सो ऑर्डर थर्टी नाइन टेम्परे इंजंक्शन के रूल वन टू फोर और टेन के अंडर जितने भी मैटर्स डिस्कस हुए हैं उनमें कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हैं उसके बाद आता है ऑर्डर फोर्टी रूल वन और फोर ऑर्डर फोर्टी बेसिकली रिसीवर के साथ डील कर रहा है जहां पर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर की बात हुई है तो उस सूरत में भी कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है ये ऑर्डर फोर्टी के रूल वन और फोर भी अपीलेबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्डर फोर्टी वन में बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया था अपील अगेंस्ट डिक्रीज किन किन डिक्रीज के अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है और रूल नाइनटीन अगर आपको याद हो तो हमने ये कहा था कि अगर कहीं पर किसी के अपील को डिसमिस कर दिया जाता है किसी भी ग्राउंड पर और वो री एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा है कोर्ट में रीजनेबल ग्राउंड पेश करने के बाद तो अगर कोर्ट उसको रिफ्यूज कर देती है उसके री एडमिशन को या रिस्टोरेशन को तो ऐसी सूरत में कोर्ट के इस ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील फाइल की जा सकती है उसके बाद दूसरा रूल है रूल ट्वेंटी वन रूल ट्वेंटी वन डील करता है री एडमिशन ऑफ द अपील ऑफ रिस्पोंडेंट जहां पर रिस्पोंडेंट की आ, जो अपील थी उसको डिसमिस कर दिया था उसके ना आने पर एक्स पार्टी हो गया था अब वो दोबारा री एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा है कोर्ट रिफ्यूज कर रही है तो ऐसी सूरत में भी इस ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील फाइल की जा सकती है और थर्ड है ऑर्डर फोर्टी वन का रूल ट्वेंटी थ्री जो कहता है रिमांड ऑफ द केस बाय एपीलेट कोर्ट यानी कि जहां पर ऑर्डर रूल uh, में जहां पर एपीलेट कोर्ट ने कोई केस रिमांड के लिए भेज दिया है उस कोर्ट को जिसने डिग्री पास की है तो ऐसी सूरत में भी ऐसा ऑर्डर भी अपीलेबल है उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्डर फोर्टी फाइव रूल सिक्स ऑर्डर फोर्टी फाइव रूल सिक्स बेसिकली ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड है रिफ्यूजल ये ओमिट हो गया है लिहाजा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है लास्ट है ऑर्डर फोर्टी सेवन रूल फोर ऑर्डर फोर्टी सेवन बेसिकली किसके साथ डील कर रहा है रिव्यू के साथ नजरसानी जब कोर्ट अपने फैसले के ऊपर नजरसानी करती है दोबारा तो ऑर्डर फोर्टी सेवन रूल फोर में ये कहा गया है कि जहां पर आप रिव्यू के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हो आपकी उस एप्लीकेशन को एडमिट कर दिया जाता है या उससे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई ऑर्डर कोर्ट पास करती है तो ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील फाइल की जा सकती है सो so, ये ऑर्डर 43 के रूल वन के अंदर लिस्ट बताई गई थी जिनमें किन किन रूल्स के अंदर आप अपील फाइल कर सकते हो ऑर्डर के अगेंस्ट सो so ये हमने डिस्कस कर ली अब उसके बाद ऑर्डर 43 का रूल टू क्या कहता है ऑर्डर 43 का रूल टू कहता है

कि जब कभी भी हम अपील अगेंस्ट ऑर्डर की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं ऐसी सूरत में कि जब हमारा सूट कोर्ट में पेंडिंग है तो उस सूरत में अपील फाइल करने से पहले हमने इस अपील का नोटिस देना है अपने रिस्पोंडेंट को यानी कि अगर सूट आपका कोर्ट में चल रहा था कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर पास किया जो कि रूल 1 की लिस्ट के ये सेक्शन 104 की लिस्ट के अंदर आता था जिसमें कोर्ट का कोई ऑर्डर अपीलेबल था तो आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर रहे हो तो उससे पहले आपने अपनी उस मेमोरेंडम ऑफ अपील का नोटिस रिस्पोंडेंट को लाजमी देना है या फिर या तो रिस्पेंट को देना है या उस के एडवोकेट को या उसके प्लीडर को आपने लाजमी इस चीज का नोटिस देना है और उस नोटिस में आपने ये बताना है कि आप किस ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हो अब ये जो नोटिस आप भेजोगे ये आप इन पर्सन भी भेज तक सकते हो या थ्रू पर्सनल रजिस्टर्ड पोस्ट उसके थ्रू भेज रहे हो आप और उस पोस्ट की जो रिसीट है वो आप अपनी अपील के साथ अटैच करोगे यानी रिस्पोंडेंट को आपने क्या क्या भेजना है जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील कर रहे हो और जो जब आपका सूट पेंडिंग है और जो अपील आप करने जा रहे हो उसका नोटिस उसकी लिस्ट आप भेजोगे रिस्पोंडेंट को और उस रिस्पोंडेंट को भेजने के लिए जो आपने तरीका यूज किया है जो रिसीट होगी उसको आप अपनी अपील के साथ अटैच करके कोर्ट में प्रेजेंट करोगे उसके बाद इसी की क्लॉज टू क्या कहती है क्लॉज टू कहती है कि अगर कहीं अब जब आपने नोटिस पहले ही दे दिया को तो कोर्ट में आता है अपील और वो कोर्ट के सामने आके कोर्ट से परमिशन लेता है कोर्ट से परमिशन लेने के बाद वो अपने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर देता है तो ऐसी सूरत में जहां पर अपील डिसमिस हुई है मींस टू से कि कोर्ट जो है वो कॉस्ट अवॉर्ड करेगी डिफेंडेंट को ऑन डिसमिसल ऑफ अपील इन लिमिनेचर मीनस टू से जहां पर अपील डिसमिस हो गई है तो अपील डिसमिस होने के बाद जो कॉस्ट बनती थी जो कम्पनसेशन बन रही थी वो कंपनसेशन कोर्ट ने डिफेंडेंट को अवॉर्ड कर सॉरी रिस्पोंडेंट को अवॉर्ड कर दी है यानी इसमें उसी रूल सॉरी सब क्लॉज वन को लेकर ही क्लॉज टू को एक्सप्लेन किया कि जब आप नोटिस भेजोगे तो, तो रिस्पोंडेंट कोर्ट में जल्दी आ जाएगा और अपील को लंबा खींचने के बजाय बल्कि वो फर्स्ट एड पर आकर अपने ऑर्ग्यूमेंट्स करेगा और फिर कोर्ट उसको कॉस्ट अवॉर्ड कर देगी उसके बाद रूल फोर क्या कहता है रूल फोर कहता है कि अगर कहीं पर आप कोई एप्लीकेशन देते हो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट तो उसका नोटिस भी आपने रिस्पोंडेंट को देना है एस पर रूल ऑफ ऑर्डर से जहां पर आपने अपील के दौरान ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील अगर आप कोई एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल कर रहे हो तो रूल थ्री के अंडर आपने उसका नोटिस देना है अपने रिस्पोंडेंट को से अगर अपील के दौरान आपने किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन कोर्ट में सबमिट किया तो उस एप्लीकेशन का नोटिस भी रिस्पॉन्डेंट को बिल्कुल उसी तरह देना है जैसे आपने अपनी अपील का नोटिस दिया था जो हमने रूल थ्री में जो तरीका डिस्कस किया है यानी इन पर्सन और थ्रू पर्सनल रजिस्टर्ड पोस्ट तो उसका आपने नोटिस लाजमी देना है रिस्पोंडेंट को सो so, ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 ऑफ सीपीसी के ऊपर आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अगर आपने वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हाफिज